चार कहे खीकर केजरीवाल केजरीवाल। 800 से कम आदिवासियों को पट्टा दो पट्टा दो पट्टा दो। 800 से आदिवासियों को पट्टा दो पट्टा दो पट्टा दो। मैं आम आदमी पार्टी जिला बलरामपुर का अध्यक्ष इंद्रदेव नाम। सर आज पहली बार विकासखंड वाणप नगर में आप लोगों की मौजूदगी दिखी, क्या पूरा मामला है और कैसे यहाँ पर उपस्थित हुए? देखिए बलरामपुर जिला मूलतः सरगुजा संभाग से अलग हुआ जिला है और सरगुजा संभाग पूरा वनाच्छादित क्षेत्र है और यहाँ के आदिवासी वर्षों से वन भूमि पर काबिज है और उनके आवेदन एक लाइन लिख करके कि काबिज नहीं पाया गया खारिज कर दिया गया, उसका कलेक्टर बलरामपुर के पास लंबित है। इसी तरह के और भी कलेक्टर हैं, सूरजपुर है, अंबिकापुर है, सब जगह लंबित है। इसका एक तो त्वरित निराकरण होना चाहिए और स्थल जाँच के साथ, क्योंकि स्थल पर वर्षों से काबिज है, जहाँ खेत बने हैं, कुएँ बने हैं, मकान बने हैं, उसको भी कह दिया जा रहा है कि ये काबिज नहीं है। तो ये वन भूमि कानून का उल्लंघन है और जो आदिवासी हक रखते हैं उनको पट्टा मिलना चाहिए, यही आम आदमी पार्टी की मांग है। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जो है, बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, दोनों ये आपका जो पट्टा वितरण के मामले हैं उस पर अपना श्रेय लेना चाहते हैं कि हमने पट्टा बांटा, उसको क्या षड्यंत्र मानते हैं, क्या मानते हैं आप? ये तो वास्तविकता आप भी देख रहे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आवेदन दिए हुए हैं बलरामपुर जिला में, जिनका अपील और पुनरीक्षण लंबित है। तो ये तो साफ स्पष्ट है कि ये झूठ मूठ का श्रेय लिए हैं। नाम के लिए एक तो पट्टे जारी कर दिए गए, वो भी वो उनके अपने समर्थक लोग हैं और बाकी आम आदमी को मिला ही नहीं, नहीं तो फिर वो सड़क पर क्यों आते हैं?